अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल को देख रहे हैं और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी बनाना। आज हम बनाने जा रहे हैं चावल के मुरकुल या बढ़िया, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चावल की मुरकुल बनाने के लिए हमें जरूरत है चावल की। यहाँ मैंने 1.5 kg लिया है, यानी कि 1.5 किलो चावल लिया है। आप चावल कोई भी ले सकते हैं। चावल को हमें सबसे पहले भिगोकर रखना चाहिए, 1 से 2 पानी वॉश करके इसे भिगोकर रख देंगे हम सारी रात के लिए। नेक्स्ट डे इसके हम मुरकुल तैयार करेंगे। हमने कल इसे भिगोकर रखा था चावल को, कि 24 घंटे बाद ये अच्छी तरह से फूल गए हैं। जितना ज्यादा भिगाएंगे चावल को उतने अच्छे होंगे मुरकुल। तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहे तो 2 से 3 दिन भी भिगोकर रख सकते हैं, क्योंकि चावल में खमीर आएगा तो बहुत अच्छा फूलेंगे, टेस्ट में भी अच्छे हो गए। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। बस इतने इतने डालकर ही हमें पीसना है और पानी थोड़ा सा डालना है, आधी ग्लास जितना। चावल को हमने पीस लिया है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है। इसी तरह से हम चावल को पीसते जाएंगे और पेस्ट हमें बिल्कुल फाइन बारीक रहना है, दरदरा बिल्कुल नहीं पीसना है हमें। इसी तरह हम सारे चावल पीस लेंगे। इसके बाद हम एक भगोने में पानी गर्म के लिए रखेंगे। हमने ऑलरेडी पानी गर्म के लिए रखा था, एक बड़ा भगोना लिया है हमने, इसमें आधा भगोना पानी लिया है और पानी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम तिल डालेंगे। तिल हमने 4 टेबलस्पून ली है। पानी गर्म होने के बाद ही मसाले डालना है। इसके बाद हम ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे को हमने दरदरा पीस लिया है हल्का सा और इसे हिलाएंगे। इसके बाद हम 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। फिर 2 टेबलस्पून हम नमक डालेंगे। नमक हम सारा नमक एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा सा नमक हम आटा पकने के बाद टेस्ट कर डालेंगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि नमक ज़्यादा हो जाता है, खारा भी हो जाता है, तो इसीलिए हम नमक बाद में डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन नहीं डालना है, लहसुन का पेस्ट पीस कर हम अलग से वो डालना है 2 टेबलस्पून। इसके बाद इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे, 5 से 10 मिनट पकने देंगे। पानी अच्छी तरह से पकने लगा है। और एक बात ये कहना चाहूंगी कि मसाले हमने रोस्ट नहीं किए हैं, हमें कच्चे मसालों को ही डालना है इसी तरह। अब हम इसमें चावल का आटा लगाएंगे। पानी में आटे को डालेंगे, एक बार आटे को इस तरह से चला लेंगे और इसे एक साइड से डालते हुए दूसरे साइड से इस तरह पानी को हिलाते हुए डालेंगे। इस तरह हिलाना जरूरी है, वरना वो डलों की तरह हो जाएगा। इसी तरह हमें चलाते रहना है जब तक ये गाढ़ा ना हो। ये देखिए, मुरकुल का आटा अच्छी तरह से पक चुका है, अब ये रेडी है। अगर आप चाहे तो इसमें कलर भी डाल सकते हैं, थोड़ा बच्चों को कलरफुल मुरकुल पसंद आते हैं, तो हम इसमें थोड़े से अलग से निकाल कर इसमें ग्रीन कलर डालेंगे। आपके पास जो कलर अवेलेबल हो वो डाल दीजिएगा। डालकर 2 मिनट पकाइए। ये देखिए, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम हमने सारा टाइम हमने फ्लेम मीडियम ही रखा है। इस तरह से हम ग्रीन कलर डालेंगे। अब इसे 2 मिनट पका लेंगे बस चूल्हे पे।
ये देखिए हमने ग्रीन कलर डालकर इसे 2 मिनट पकाया है बस। इसी तरह आप इसे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप चाहे तो इसमें ऑरेंज, पिंक, कोई और भी कलर दे सकते हैं। अब हम इस आटे का ठंडा होने का इंतजार करेंगे। आटा ठंडा हो चुका है, अब हम इसके आसानी से मुरकुल डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ एक सांचा ले लिया है और इस तरह के कुछ फ्रेम्स हैं इसके। आप कोई भी मंचा इसका फ्रेम फिट कर लीजिएगा। इस तरह से हम एक फ्रेम इसमें फिट कर लेंगे। इसके बाद इसमें आटा भर लेंगे। अब इस तरह कोई भी डिज़ाइन देते हुए हम इसे बनाते आएंगे। याद रखिएगा कॉटन की बेडशीट ही ले लीजिएगा। हमने इस तरह की एक कॉटन की बेडशीट ले ली है। अब इस पर हम अपने मनचाहे डिज़ाइंस बना लेंगे कोई भी। ये एक लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दूसरे कलर की लाइन डालेंगे। हमने ग्रीन के साथ साथ ऑरेंज कलर भी लिया था, अब हम ऑरेंज कलर की लाइन डालेंगे। इसी तरह सांचे में भरकर इसी तरह हमने सांचे में भर लिया है। अब हम मुरकुल बनाना शुरू करेंगे। अब इस तरह हमने दूसरी लाइन भी शुरू कर दी है और बिल्कुल खरीब खरीब डालेंगे। रेड कलर वाली लाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हम ग्रीन कलर की डालेंगे। आटे को हमने इस तरह से भर लिया है। आप लंबी भी डाल सकते हैं, इस तरह से जैसे चाहे आप ऐसे डाल सकते हैं। ग्रीन लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ऑरेंज कलर की लाइन डालेंगे। आटे को हमने भर लिया है। ये देखिए ये मुरकुल अच्छी तरह से सूख चुके हैं। सबसे पहले हमने इसे फ़ैन की हवा में सुखा लिया था, उसके बाद हमने धूप में डाला था। ये अच्छी तरह से सूख गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं बेडशीट से। अब मैं इसे निकालने की आपको ट्रिक भी बता देती हूँ। इस पर इस तरह से थोड़े से पानी के छींटे मारिएगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी मारिए। ये देखिए अपने आप निकलने लगेंगे। इस तरह से आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। आशीर्वाद या फिर आटे के खाली बैग्स भी यूज कर सकते हैं, मगर उसमें प्रॉब्लम यह होगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करना पड़ेगा। आप एक बेडशीट ले लीजिएगा कॉटन की, और याद रखिए जिसमें कलर जाता हो वो वाली बेडशीट मत लीजिएगा। ये देखिए इस तरह आसानी से ये निकल जा रहे हैं। अब हम इसे पूरे इसी तरह निकाल लेंगे। इस तरह हमने सारे मुरकुल को निकाल लिया है चादर से, और इसके बाद हमने धूप में एक दिन के लिए रखा था ताकि वो अच्छी तरह से सूख जाए। अब ये फ्राई करने के लिए रेडी है। तो चलिए इसे फ्राई करके मैं आपको बता। कढ़ाई में हमने तेल गरम कर दिया है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल रहे हैं।
अच्छी तरह से तेल निखार कर निकाल लें। ये देखिए हमारे कलरफुल बढ़िया मुरकुल तैयार है। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, मैं आपको तोड़कर भी बता देती हूँ। इसकी आवाज खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। आमतौर पे इसे दाल या फिर खिचड़ी वगैरह के साथ खाया जाता है हैदराबाद में। तो आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।